पूरे उसमें छोले छोले दिख रहे हैं आपको, ऐसा नहीं लगेगा पानी जैसे। और जो हमारे 20 रुपए वाले छोले छोले भटूरे हैं भाई, इसके अंदर देखो छोले ऐसे लग रहे हैं पानी है। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं छोले भटूरे चैलेंज। और भाई आज हम ट्राई करेंगे चीप छोले भटूरे वर्सेज एक्सपेंसिव छोले भटूरे। तो भाई जो चीप वाले छोले भटूरे हैं हमारे, वो हम लेके आएंगे संडे बाजार मार्केट से, क्योंकि आज का दिन है संडे। और भाई जो हमारे महंगे वाले छोले भटूरे हैं, वो हम लेके आएंगे हल्दीराम से, और वहाँ मिलते हैं 200 रुपये के छोले भटूरे। भाई देख रहे हो, 200 रुपये के छोले भटूरे, कहाँ में 20 रुपये के खाने वाला बंदा 200 रुपये के छोले भटूरे लेने उसका चलेंगे मार्केट में। वहाँ से अपने जो सस्ते वाले छोले भटूरे वो लेके आएंगे। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन से छोले भटूरे पसंद है, और आप कौन से ज़्यादा छोले भटूरे खाते हो भाई, हल्दीराम में महंगे वाले या सस्ते वाले। भाई मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं तो भाई सस्ते वाले खाता हूँ, हम सस्ते वाले खाए जाते हैं। 200 रुपये के छोले भटूरे कौन ही रोज खा पाएगा। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिना देखे लाइक कर दो, पूरी पावर के साथ शेयर कर दो, और कुछ भी कमेंट कर देना। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वो बन रहे हमारे छोले भटूरे भाई, देखो। और अपने हल्दीराम से अपने छोले भटूरे लेने आए हैं, उसके बाद आप जो है चीप वाले छोले भटूरे भी लेंगे। ये हमारे भटूरे भाई बाहर भी आ गए, देख चेक करो भाई। ये ले लिए हमने अपने हल्दीराम से छोले कुलचे, छोले भटूरे, छोले कुलचे तो नहीं। और भाई अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तो शुभ हमने भी अपने घर के लिए पैक कराए हैं। कैमरे में आना नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा शाये है वो भाई बंदा तो आपको भी मेरी शक्ल ही देखनी पड़ेगी। और ये हमने अपने जनकपुरी वाले आउटलेट से कलेक्ट करे हैं, अभी जाएंगे घर पे, और वहाँ पे भाई उसके बाद लेंगे अपने सस्ते वाले छोले कुलचे। और जिसका प्राइस है भाई वो रेडी है व्लॉग में आने के लिए। भाई देखो भाई ये है शुभम। सो गाइस अभी चलते हैं, 20 वाले छोले भटूरे खरीदते हैं, हमारे लगभग 200 रुपये के थे, रात चीपर से एक्सपेंसिव करेंगे। चलो यार घर की तरफ निकलते हैं। तो गाइस अभी अपन लोग आ गए हैं मार्केट में, और यहाँ से हम अपने सस्ते वाले छोले भटूरे लेंगे। तो सामने मेरे स्टॉल लगा हुआ, तो चलते हैं यहाँ से अपने छोले भटूरे पैक कराते हैं घर। और हमने अपने दोनों छोले भटूरे ले लिए हैं, तो उसको भी टेबल पर रखते हैं। और ये वाले हमारे हल्दीराम से हैं, इसको हम हल्दीराम से लेकर आए, और ये हमारे संडे बाजार के हैं। तो अब इसको प्लेट पे सजाते हैं, आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं, उनको फिर बताते हैं टेस्ट करके कि भाई किसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है। सो गाइस ये हमारे हल्दीराम के छोले भटूरे भाई, इसको मैं लेकर आई, लगभग हमारे 200 रुपये के हैं। और ये हमारे बाजार के छोले भटूरे जो आपको संडे बाजार, मंगल बाजार, किसी भी बाजार के अंदर आराम से मिल जाएंगे, और ये मात्र 20 रुपये के हैं। भाई आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है। तो इनको इस प्लेट के अंदर सजाते हैं और अनबॉक्स करके देखते हैं किसके अंदर हमें क्या क्या मिला, 20 रुपये में हमें क्या मिला, पहले हम ये देखेंगे, और फिर हम देखेंगे 200 रुपये के अंदर हमें क्या मिला है। भाई जो उसका प्राइस है वो लगभग इससे भाई 100 गुना ज़्यादा महंगा है, 20 रुपये का ही 200 गुना भाई, मतलब डबल से भी क्या, बहुत ज़्यादा 100 गुना ही हो गया पूरा। एक बार अब अनबॉक्स करना शुरू करते हैं भाई। इनकी पैकिंग तो आप देखो 20 रुपये में इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते आप इनसे। और इसके अंदर हमारे भटूरे हैं, ये 20 रुपये में क्वांटिटी देख लो, उसकी भाई अच्छी खासी क्वांटिटी है। इसको अनबॉक्स करते हैं, साइड से ही फाड़ लेते हैं इसको, वरना पूरा खोलना पड़ेगा, और इतने में भाई बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, पूरा मैं खोलना नहीं वाला। भाई उसकी खुशबू आ रही है ना भाई, बहुत सही आ रही है भाई। पहले तो जब मैं छोटा था ना, हम हर मंगलवार को खाते थे 20 वाले छोले कुलचे, तब तो 7 रुपये के मिलते थे, मेरे को याद है। मैं 3 प्लेट लाता था साइकिल से जाके, 21 रुपये की। और भाई साथ में हमें इसका सलाद भी मिला है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। सलाद मिला इसके अंदर 20 रुपये में। इसके अंदर एक गाजर का अचार है, एक मिर्च का अचार डाल रखा है, थोड़ी सी प्याज दे रखी है। और अब टाइम है हमारे भाई भटूरे निकालने का इसके अंदर से। भाई ये देखो 2 भटूरे मिले हमें 20 रुपये में। भाई साइज़ देखो भटूरे का, भाई कितना बड़ा साइज़ है, अकेला मैं खा लूँ मेरा तो एक भटूरे में पेट भर दे। भाई 2 भटूरे मिले 20 रुपये में, तो भाई कंप्लीट मिला आपकी पूरी। आपको अगर भाई 20 रुपये में आपको ये सब आराम से मिल जाएगा किसी भी इलाके में, अगर आप कहीं पर भी रहते हो तो आपको भाई आपने जरूरी वाले तो ट्राई कर ही रखे होंगे। तो यार हमने अपने 20 वाले छोले भटूरे जो अनबॉक्स कर लिए, बारी हमारे महंगे वाले छोले भटूरे को अनबॉक्स करने की, हल्दीराम वाले छोले भटूरे अनबॉक्स करने की। और भाई इसकी पैकिंग देख के लग रहा है कि भाई महंगे वाले छोले भटूरे हैं हमारे। ऐसे हैं इनके भटूरे, पहले इनके भटूरे ही बाहर निकाल लेते हैं भाई, तो उठाने में इतने लाइट वेट से लग रहे हैं। ये देखो भाई इनके भटूरे का साइज़ भी बढ़िया सा है, और इसके अंदर हमें 2 भटूरे मिले हैं 200 रुपये में। वैसे 180 रुपीज़ प्राइस है इसका, टैक्स लगा के आपको लगभग 200 रुपये के आसपास पड़ेगा ये। भाई ये देखो फ़र्क देखो दोनों में, पर ऑयल चेक करो इसको दबाने में भाई, कितना सारा ऑयल, हाँ तो ऑयली ऑयली हो गया इसको भाई, एकदम ऑयल फ्री भाई हमारे ऑयल वाल में बने होते हैं ये भाई। हमारे इसके अंदर छोले मिले हैं, और मेरे को एक चीज़ पता लगी थी कि छोले के अंदर ना तो थोड़ा सा पागल बनाते हैं, नीचे से ना ये ऊपर उठा रखा होता है, तो जितना अगर आप ऊपर से देखोगे तो पूरा भरा हुआ दिखेगा, पर इसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम होती है। तो अगर ये इतना बड़ा डब्बा दिख रहा है तो आपको सिर्फ इतना सही खाने का मिलेगा। और देख रहे हो लूट मचा रखी है, तो इसको इसी में हम सीधा इसको अपनी प्लेट में रख लेते हैं। और इनके छोले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, छोले में आलू भी डाल रखे हैं इन्होंने भाई, जो इनके छोले कुछ भी वो भी बहुत मस्त आ रही है भाई। ये देखो ये इनके छोले, और साथ में हमें भाई लकड़ का चम्मच भी मिला है, ये वाला यूज़ करूँगा मैं। और भाई साथ में हमें क्या मिला है इसमें भाई, हमें इसके अंदर मिला मिक्स वेजिटेबल पिकल, तो हमारी
तो भाई ये देखो, ये हमारे हल्दीराम के छोले भटूरे। भाई इनके छोले देखो एक बार, कितने बढ़िया लग रहे हैं। मतलब पूरे उसमें छोले छोले दिख रहे हैं आपको, ऐसा नहीं लगेगा पानी जैसा। और जो हमारे 20 रुपये वाले छोले कुल छोले भटूरे हैं भाई, इसके अंदर देखो छोले ऐसे लग रहे हैं पानी है। ये देखो कितने कम डेंस हैं, बराबर 20 रुपये के हिसाब से ठीक है। भाई जो इनके भटूरे हैं भाई, जो उसके अंदर ऑयल होता है, आप सबको पता है कैसा ऑयल यूज़ किया जाता है, और भाई बहुत ज़्यादा ऑयली भी हैं ये। भाई ये देखो, और उस जगह जो हमारे हल्दीराम के छोले भटूरे हैं, उनके जो भटूरे हैं भाई एकदम नॉर्मल। रुक जाओ, क्या हाथ चेंज करके दिखाता हूँ भाई। देख रहे हो अल्टीमेट कंपैरिजन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑयल फ्री है। अगर इसे खाओगे तो मतलब बिल्कुल भी आपको गैस वैस कुछ भी नहीं बनेगी, ऑलिव ऑयल में बनते हैं एकदम बढ़िया। भाई कोई प्रोपेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने खुद खरीद के लाया हूँ, बिल नहीं भर रहा, वो भी दिखा देता मैं। और साथ में प्याज मिली इस डब्बे के अंदर, इसको बाहर निकालते हैं भाई, इसके अंदर पागल बना रखा है इन्होंने हमें। ये देखो निकल सारी, बाहर आ जा भाई। मिक्स पे कलर, उसके अंदर में अचार मिल रखा है। तो अब यार देखते हैं टेस्ट कितना ज़्यादा बेटर, टेस्ट करना शुरू करते हैं। चलो गाइस खाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चीप वाले छोले भटूरों से हम। भाई तो मैंने बहुत खाए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, तो मेरे को भाई इनको मतलब खाने का मज़ा ही अलग होता है। इसी वाले चम्मच से इसको भाई एक बार टेस्ट करके देखते हैं। भाई टेस्ट तो हमेशा की तरह बहुत बढ़िया है। भाई जो छोले हैं ना, वो थोड़ा सा वाटरी वाटरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। पर भाई 20 रुपये के हिसाब से मतलब ठीक है। मैं कह रहा हूँ मतलब इनका टेस्ट होता है ना 20 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। मतलब आप इसे आराम से खा सकते हो, फिर खरीद के खा सकते हो। जो टेस्ट है वो तो होता ही बहुत जानदार है इसका। पर थोड़ा सलाद के साथ भी ट्राई करके देखते हैं इसको। भाई इनका सलाद इसके अंदर हमें अचार मिला गाजर का, मैंने बताया था आपको, और हमें मिर्च का अचार, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी प्याज रखते हैं, और फिर एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। भाई ओवरऑल बढ़िया है, हर 10 में से रेटिंग दूँगा तो भाई मैं इसे 7 रेटिंग दूंगा। बट जो थोड़ा सा मेरा भटूरा है भाई, मैदा बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह खिंच रहा है। देखो मुझे मैदा होता है ना बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, बस इसी वजह से। और भाई प्राइस के हिसाब से बढ़िया है, मज़ा आ गया खाने में। एक बार अपने महंगे वाले छोले भटूरे ट्राई करते हैं और इनका टेस्ट लेके देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। बारी हमारे वाले छोले भटूरे ट्राई करने की, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। भाई इनके भटूरे तो मतलब एकदम लाइट से देखने में लग रहे हैं भाई, अंदर भी उन्होंने कुछ इसके अंदर थोड़ा मसाला सा लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा ऑरेंज ऑरेंज कलर का। और जिनके छोले होते हैं ना मतलब हल्दीराम के, बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। बट जो क्वांटिटी होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है, दो दो भटूरों के हिसाब से। बाकी से टेस्ट करके देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। भाई बहुत जानलेवा टेस्ट है, मतलब इनके कंपैरिजन में भाई बहुत गजब का टेस्ट लगा मेरे को तो इनका। भाई जो मेन चीज़ है ना उनके छोलों की है, भाई उनके छोले हैं ना बहुत औसम है। अगर स्पाइसेस का प्रोपोर्शन है इनके छोलों का भाई बहुत ज़बरदस्त है, और जो टेस्ट आ रहा है मतलब भाई एक नंबर, बता नहीं सकता मैं, एकदम ओपी टेस्ट है इसका। भाई इनके भटूरे में वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है, ऑलिव ऑयल में बने जैसे अभी हमने आपको बताया, और भाई टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। भाई इनका भी पिकल ट्राई करके देखते हैं। भाई छोटा सा पिकल दिया इन्होंने और थोड़ी सी अनियन दी है, तो एक बार इसका भी इसका टेस्ट लेके देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। मेरा तो दिल आ गया इनके छोले भटूरे पे, भाई बहुत बढ़िया लगे मेरे को तो। मतलब इनके कंपैरिजन में अगर आप एक बार ये खा लोगे ना, मतलब भाई यही खाओगे फिर आप उसको तो देखोगे भी नहीं। मतलब जो रेट है बहुत ज़्यादा महंगा है उससे, उस 20 रुपये के, मतलब 200 रुपये के। पर भाई जो इनकी क्वालिटी है ना वो पूरी 200 रुपये वाली है। मतलब टेस्ट एक बढ़िया, एक नंबर है इसका, मतलब मज़ा आ गया भाई मेरे को तो। आज का विनर अपने 200 रुपये वाले छोले भटूरे दिखे भाई मेरे को तो, मतलब बहुत बढ़िया लगे इसका टेस्ट। पर आपके बजट के हिसाब से आपको जो चीज़ बढ़िया लगती है वो ट्राई कर सकते हो। भाई मेरे को तो दोनों ही बढ़िया लगे, मैं तो दोनों ही खाता रहता हूँ, पर आज मेरे को ज़्यादा बढ़िया ये लगे। तो एक बार ना इनके भटूरों को इसके छोले के साथ ट्राई करके देखते हैं, फिर देखते हैं भाई टेस्ट कैसा आ रहा है। ऐसे एपिक काम करने में भाई बहुत मज़ा आता है।
भाई दोनों चीज़ का अपना अलग अलग जगह मज़ा है। और 20 रुपये वाली की भाई बात ही अलग है, वहाँ पे खड़े होकर खाने में जो वाइब आती है ना वो अलग होती है। भाई जो हल्दीराम के छोले भटूरे हैं उनको पता ही है भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, और जो आपको पसंद है वो ट्राई करके खा सकते हो। अपने छोले भटूरे की प्लेट जो खा के ख़त्म कर दी, और भाई मेरे को दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। बट भाई अगर आज के कंपेरिजन का मैं विनर बताऊँ आपको तो भाई वो हल्दीराम वाले छोले भटूरे लगे मेरे को। तो भाई ऐसे नहीं कि महंगे थे इसलिए मैं उन्हें विनर बता रहा हूँ आपको, बट जो उनकी क्वालिटी होती है ना क्वालिटी थी, और भाई बस उसके अंदर एक कमी लगी मेरे को, जो छोले की क्वांटिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी, बाकी टेस्ट यार उनका बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। बाकी यार थोड़ी वीडियो शूट करने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल मैं ट्राईपॉड लगा के शूट कर रहा हूँ, क्षितिज यहाँ पे है नहीं, सारी वीडियोज़ मेरे को फ्रंट कैमरे से ट्राईपॉड लगा के शूट करनी पड़ती हैं, इसलिए ना थोड़ा सा शॉट सही नहीं आ पा रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और कोई भी अगर कमी लग रही है उस वीडियो में तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी यार अगर आपका जो मन करा बॉल छोले भटूरे खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई आपको सिर्फ 200 वाले खाने हैं या 20 वाले खाने हैं, भाई जिसका जिस जो भी मन करा वो खा सकते हो, दोस्तों के साथ जाओ ऐश करो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।